सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कई लोकसभा प्रत्याशी बौने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत लोकसभा से टिकट फाइनल होते ही यहां के प्रत्याशियों में भगदड़ मच गई थी। सोनीपत में इंपीरियल गार्डन में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए बताया कि जिस तरह से उन्होंने 2005 में सभी मुसलमानों को हरियाणा से भगा दिया था, वही काम वो दोबारा करेंगे, बशर्ते जनता उन्हें मौका दे। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत और रोहतक को अपनी दो आंखें बताया। देखिए इस खास खबर में। बदमाश आता हरियाणा छुड़वा दिया था ना, फिर छुड़वा दू हरियाणा। हिंदी शब्द में बाहर एक आपको स्वागत है, एक श्रोता के बीच हरियाणा हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी लोकसभा की सर कांग्रेस की? 2009 रिपीट होगा, 2009 में 10 लोकसभा आई थी, हो सकता है आपकी 10 लोकसभा। मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ो, वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने राजकुमार सैनी को जो टिकट दी और जो उसको बढ़ावा दिया उस पर उकसाने का काम किया है। और राजकुमार सैनी ने कहा है चंडीगढ़ में बैठ के खट्टर साहब ने हैरू जगह ने काम किया है, और यही प्रकाश सिंह कमेटी ने कहा पूर्ण रूप से दोष दूसरी हरियाणा सरकार। आप रेलवे लाइन उसने बताई उनका 5 साल में बता दो, एक रेलवे लाइन लगाई हो, एक आर ओ भी बनाया हो, कोई मैं आज बार में भी खुला सवाल पूछा रही 5 साल में एक भी कोई बनाया।